हिरण अपनी सुंदर उपस्थिति और सौम्य स्वभाव के साथ आकर्षक जीव हैं, जो दुनिया भर के विभिन्न परिदृश्यों में घूमते हैं। घने जंगलों से लेकर खुले घास के मैदानों तक हिरण विभिन्न आवासों में पाए जा सकते हैं, जो अपने परिवेश के साथ अनुग्रह और लचीलेपन के साथ अनुकूलन करते हैं। सर्वडी परिवार से संबंधित हिरण कई प्रजातियों को शामिल करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और अनुकूलन हैं। चाहे वह उत्तरी अमेरिका का सफेद पूंछ वाला हिरण हो या यूरोप का राजसी लाल हिरण, ये जानवर उन सभी में जिज्ञासा और आश्चर्य पैदा करते हैं जो उनसे मिलते हैं। हिरण शाकाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मुख्य रूप से घास, पत्ते और टहनियां जैसे पौधों को खाते हैं। उनके विशेष पेट उन्हें कठोर पौधों की सामग्री को पचाने में सक्षम बनाते हैं, जिससे उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व निकलते हैं। गंध, दृष्टि और सुनने की तीव्र इंद्रियां हिरणों को उनके पर्यावरण में भोजन के स्रोतों और संभावित खतरों का पता लगाने में मदद करती हैं। नर हिरण, जिन्हें हिरण के रूप में जाना जाता है, अक्सर प्रभावशाली सींग दिखाते हैं। मादा हिरण, जिसे मादा हिरण कहा जाता है, हर बसंत में एक या दो बच्चों को जन्म देती है, उन्हें देखभाल और सुरक्षा के साथ पालती है। हिरण के बच्चे प्यारे सफेद धब्बों के साथ पैदा होते हैं, जो छलावरण का काम करते हैं, जिससे उन्हें अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने और शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। हिरण सामाजिक जानवर हैं, जो झुंड के रूप में जाने जाने वाले समूह बनाते हैं, जहां वे आवाज और शारीरिक भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं। एक झुंड के भीतर आम तौर पर एक प्रमुख नर होता है, जो समूह का नेतृत्व करता है और उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करता है। हिरण चराई के माध्यम से पौधों की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद मिलती है। वे भेड़ियों, कोयोट और भालू सहित कई शिकारियों के लिए एक आवश्यक भोजन स्रोत भी हैं। अपने सौम्य व्यवहार के बावजूद हिरण खतरे में पड़ने पर आक्रामक हो सकते हैं, खासकर जब अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हों। हिरण बर्फीले जंगलों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक विभिन्न वातावरणों में खुद को ढाल चुके हैं, जो उनके उल्लेखनीय लचीलेपन को दर्शाता है। कुछ प्रजातियां जैसे कि हिरण ठंडी जलवायु में जीवित रहने के लिए विशेष अनुकूलन रखती हैं, जैसे कि मोटे फर कोट और बड़े खुर। अन्य जैसे कि खच्चर हिरण अधिक शुष्क क्षेत्रों में पनपते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। हिरण उत्कृष्ट धावक होते हैं, जो 30 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचने में सक्षम होते हैं, जिससे वे शिकारियों से चपलता और गति से बच निकलते हैं। वे कुशल तैराक भी होते हैं, जो अपने शक्तिशाली पैरों और उछाल वाले शरीर का उपयोग करके आसानी से नदियों और नालों को पार कर जाते हैं। हिरणों में खुद को संवारने, अपने फर को साफ और परजीवियों से मुक्त रखने, अपने स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कई संस्कृतियों में हिरण प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं, जो अनुग्रह, ज्ञान और नवीनीकरण जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सदियों से मिथकों, किंवदंतियों और लोक कथाओं में चित्रित किए गए हैं, जो दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित करते हैं। हिरणों की मनमोहक सुंदरता कलाकारों, लेखकों और कवियों को प्रेरित करती है, जो अक्सर उन्हें सुंदरता और अनुग्रह के प्रतीक के रूप में चित्रित करते हैं। हिरण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कई क्षेत्रों में शिकार और इकोटूरिज्म जैसी गतिविधियों में योगदान देते हैं। संरक्षण प्रयासों का उद्देश्य हिरणों और उनके आवासों की रक्षा करना है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनका अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हिरणों को मानवीय व्यवधानों से दूर पनपने के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। शिकार नियम हिरणों की आबादी को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने प्राकृतिक आवासों में स्थिर और स्वस्थ रहें। हिरण सांध्यकालीन होते हैं,
जिसका अर्थ है कि वे भोर और शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, बाकी दिन आराम करने और भोजन पचाने में बिताते हैं। उनके पास विशेष खुर होते हैं जो उन्हें जंगल में चुपचाप चलने में सक्षम बनाते हैं, जिससे उन्हें शिकारियों द्वारा पहचानना मुश्किल हो जाता है। हिरणों द्वारा बनाए गए हिरण पथ, अच्छी तरह से घिसे हुए रास्ते जंगलों में आम हैं और इन सुंदर प्राणियों के लिए नेविगेशन मार्ग के रूप में काम करते हैं। हिरणों में दिशा की गहरी समझ होती है। वे आसानी से घने जंगलों में लैंडमार्क और गन संकेतों का उपयोग करके नेविगेट करने में सक्षम होते हैं। उनकी बड़ी आंखें रात में देखने की बेहतरीन क्षमता प्रदान करती हैं, जिससे वे कम रोशनी में भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिससे उन्हें रात के शिकारियों पर बढ़त मिलती है। हिरण खुर वाले जानवर हैं, जो मूस, एल्क और कारिबू के समान समूह से संबंधित हैं, जो अपने खुरों और जुगाली करने वाले व्यवहार से पहचाने जाते हैं। वे अवसरवादी फीडर हैं, जो भोजन की कमी होने पर कई तरह की पौधों की प्रजातियों के साथ साथ कवक और लाइकेन का भी सेवन करते हैं। हिरण प्रादेशिक जानवर हैं, जो गंध के निशान और आवाजों से अपने क्षेत्र की सीमाओं को चिन्हित करते हैं। जंगल में इनका जीवन काल लगभग 10 से 15 वर्ष होता है, हालांकि कुछ कैद में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। शिकार और आवास विनाश के माध्यम से मनुष्यों ने हिरणों की आबादी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जो संरक्षण प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। हिरण फुर्तीले पर्वतारोही होते हैं, जो आसानी से खड़ी ढलानों पर चल सकते हैं, खतरे के समय चट्टानी चट्टानों और चट्टानों में शरण ले सकते हैं। वे अत्यधिक अनुकूलनीय जानवर हैं, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर आर्कटिक टुंड्रा तक विभिन्न वातावरणों में पनपने में सक्षम हैं। हिरण उत्कृष्ट माताएं होती हैं, जो अपने बच्चों का पालन पोषण और सुरक्षा करती हैं, जिससे जंगल में उनका अस्तित्व सुनिश्चित होता है। झुंड के भीतर मजबूत सामाजिक बंधन बनाने की उनकी क्षमता उनकी जटिल सामाजिक संरचनाओं और संचार कौशल को दर्शाती है। हिरण संवेदनशील जानवर हैं, जो अपने पर्यावरण में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को पहचानने में सक्षम हैं तथा संभावित खतरों के प्रति उन्हें सचेत करते हैं। हिरण आदत के प्राणी हैं, जो भोजन की तलाश करते समय तथा अपने पर्यावरण में घूमते समय स्थापित मार्गों और पैटर्न का अनुसरण करते हैं। उनके सुंदर आंदोलनों और शांत व्यवहार ने पूरे इतिहास में कला, साहित्य और कविता के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। हिरण प्रकृति में सामंजस्य और संतुलन के प्रतीक हैं, जो हमें पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के परस्पर संबंध की याद दिलाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर, हिरण वास्तव में उल्लेखनीय प्राणी हैं, जो प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य को दर्शाते हैं। अपने सुंदर रूप से लेकर अपने सौम्य व्यवहार तक वे सभी उम्र के लोगों के दिलों और दिमागों को मोहित करते हैं अपनी लचीलापन और अनुकूलनशीलता के माध्यम से। आइए हम इन आकर्षक जानवरों को संजोएं और उनकी रक्षा करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल में अनुग्रह और सद्भाव का प्रतीक बने रहें।